और धर्मनगरी हरिद्वार में श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की धूम दिखाई दी है। यहाँ के प्राचीन मठों, मंदिरों और आश्रमों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं हरिद्वार के कनखल स्थित उदासीन अखाड़े में परिसर में श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के मौके पर कई झांकियां पेश की गई। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज और भारत विकास परिषद द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक झांकियां पेश की। इन झांकियों में भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख जीवन चरित्रों को दर्शाया गया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। बता दूं कि 2008 से हमारे वैद्य के द्वारा यहाँ पे ये कार्यक्रम निरंतर होता रहा है, लेकिन कोरोना कार्यकाल में 2020 से लेकर 2023 तक, मतलब 22 तक, ये कार्यक्रम बहुत छोटे रूप में रहा है। ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलता रहा, इस बार थोड़ा भव्य रूप में ये हम लोग मना रहे हैं। ये भारत विकास परिषद और इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी IAU और भारत विकास परिषद का मिला जुला प्रोग्राम है। हमारा जो ये पहले तो जन्माष्टमी की सबको बहुत शुभकामनाएं, और भारत विकास परिषद और हमारी एसोसिएशन IAU एक प्रोग्राम कर रही है जी। हमारे पूरे परिवार सब इसमें जन्माष्टमी का प्रोग्राम ले रहे हैं, हम लोग सभी भाग ले रहे हैं इसमें, और हम हर साल मनाते हैं, लेकिन हम बात होकर ये बच्चों का क्या सबका मनोरंजन हो जाए। और जन्माष्टमी का त्यौहार आता है कि घर घर आना जी, घर घर जन्माष्टमी का त्यौहार है, और जन्म बहुत बड़ा है, लड्डू बनाए हैं, मिठाई बनाई है, और